नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा कई मायनों में खास रहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ पानी के मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान राजस्थान को पानी की पीने की समस्या को लेकर के यहां पर बातचीत की गई है और इस मांगों पर सहमति भी बनी है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे, लाल शर्मा के साथ पानी के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान को पीने की पानी की आवश्यकता थी, जिसको लेकर आज इस पर सहमति बनी। देखिए मित्रों, पहला विषय तो यह है कि हरियाणा का जितना फुल कैपेसिटी हमारी जो वेस्टर्न यमुना कैनाल की है 24,000 क्यूसिक, वो उसमें सुरक्षित रहेगी। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल का नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक DPR करने बनाने के बता हुआ है। उसमें 4 पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें 3 पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा, 1 पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जिला खिवानी, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उससे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कैनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। तो इसलिए बरसात का पानी जो अधिकता होने के कारण से कई बार बाढ़ भी आती थी, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में पानी जब यमुना में जाता था, उस पानी का उपयोग हम राजस्थान के लिए और हरियाणा के लिए इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो पानी की हर बूंद का उपयोग, यानी बरसात के पानी को वेस्ट न जाने दे, उसके लिए ये समझौता जो हुआ है इसका एक उपयोग। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साधुवाद है जिन्होंने राजस्थान की मांग को पूरी की। ये बहुत समय से लंबित योजना थी जिस पर पिछली सरकारों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया था। इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की डलेगी। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों को विशेष बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में 25 फरवरी को गुरुग्राम में मैराथन 2024 का आयोजन होने जा रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं में उत्साह है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति भी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने और रचनात्मक कार्यों के प्रति लीन रहने के लिए कई अनूठी पहल की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब एक और पहल करते हुए 25 फरवरी को जिला गुरुग्राम में एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। 4 भागों में करवाई जाने वाली इस मैराथन रेस गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से 25,000 से अधिक अध्यावकों के भाग लेने की उम्मीद है। क्रिकेटर शिखर धवन और अन्य सेलिब्रिटी के आने से ये मैराथन और भी आकर्षक बनेगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं।
25 फरवरी को गुरुग्राम में होगा मैराथन 2024 का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। मैराथन में करीब 25,000 से अधिक धावक भाग लेंगे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। मैराथन में क्रिकेट शिखर धवन सहित अनेक सेलिब्रिटी हिस्सा लेंगे। सुबह 4:30 बजे से 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन शुरू होगी। सुबह 6:30 बजे 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी। सुबह 7:30 बजे 10 किलोमीटर रेस का आयोजन होगा। सुबह 8:30 बजे 5 किलोमीटर की रन फॉर फन आयोजित की जाएगी। मैराथन प्रतियोगिता में कई नामी धावक भाग लेंगे। विजेताओं को 15 लाख से अधिक राशि के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। gurugrammarathon.com वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैराथन से पहले 22, 23 और 24 फरवरी की दोपहर तक लेजर वैली मैराथन एक्सपो का भी आयोजन होगा, जिसमें पंजीकृत धावकों को किट बांटी जाएगी। मैराथन 2024 के दौरान मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रनर्स क्लब, खिलाड़ी, विश्वविद्यालय, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, बलों के जवान, निजी उद्यम क्षेत्र के खिलाड़ी, कर्मचारी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है।
ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी, पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे, आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे, पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे, पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा, व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी, अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा, कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी, परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा, सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा, उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता TV। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार रवि सीजन में MSP पर फसलों की खरीद करेगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार कई पहल की शुरुआत कर रही है। रवि सीजन में MSP पर सरसों, चना, सूरजमुखी, समर मूंग की खरीद की जाएगी। इतना ही नहीं, मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य की सूरजमुखी का तेल मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पहल की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने को लेकर इस पहल की शुरुआत रवि सीजन में MSP पर खरीद होगी, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और किसान आगे बढ़ सके। मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य की पर सूरजमुखी का तेल भी मिलेगा। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ग्रामीण गर्वित तरुण योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है 12 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सुधीर राणा। सुधीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनगणना। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता TV ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रमेश चंद्र आर्य, जो कि नारनौल से CMO के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के अंदर आपको पता है कि हमारे ज़िले के अंदर बहुत ही प्रोत्साहन की बात हमारे लिए कि ज़िले के अंदर सबसे मैक्सिमम कार्ड बनाए गए हैं और उन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत के कार्ड, जैसे आप जानते हैं हरियाणा की वो स्कीम जो है चिरायू के नाम से जानी जाती है, तो चिरायू कार्ड जनरेशन के अंदर ज़िला पहले स्थान पर है और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस भी जो है ज़िले के अंदर जो है आयुष्मान के अंदर, चाहे प्राइवेट की है चाहे हमारी सरकारी संस्थाओं की है, काफ़ी उत्साहजनक है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि लोग जो है किसी की तरह की भ्रामक स्थिति में ना आए, जहाँ उनको इस कार्ड के माध्यम से अच्छे इलाज मिलता हो
ये बिल्कुल निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है और कोई कहीं पर भी जो एक बार एडमिट होने के बाद इस स्कीम के अंदर मरीज का कोई पैसा नहीं लगता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कोई कोई इस तरह की कोई अगर कोई पैसा लेता कोई हॉस्पिटल चाहे सरकारी में या प्राइवेट के अंदर वो ज़रूर अपनी शिकायत हमारे पास दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से एडमिट होने के बाद सभी तरह की सुविधाएं चाहे वो ऑपरेशन की हैं चाहे टेस्टों की हैं या ऑपरेशन के बाद भी जो डिस्चार्ज के टाइम जो दवाइयाँ हैं वो सभी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 5 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 1 लाख रुपए, डी 2 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।